अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल कुछ भी में बन रहा है कोरमा, गाय के गोश्त का बीफ कोरमा। ठीक है, यहाँ मैंने इस वक्त गोश्त लिया है कोई 2 किलो के करीब होगा, और इसको बड़े बड़े बूटे रखे हैं, धो के मैंने गर्म पानी में डाला और साथ में लहसुन अदरक डाला है 2 टेबल स्पून। ठीक है, और हल्दी, मैं जो हूँ घर की पिसी हुई हल्दी यूज़ करती हूँ, साबुत मंगा के उसको पानी में सोख करके और अच्छी तरह पीस के रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डाल के पानी में, और इसको हम गलाने के लिए बंद कर देंगे 45 मिनट के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है, जब तक हम गोश्त गलाते हैं पहले। जी, अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं सेकेंड स्टेप के लिए जो कि हमें चाहिए। इसमें है मेरे पास 3 प्याज़ें मैंने ली हैं, इनको मैंने अच्छी तरह काट लिया है। आप इसको और बारीक भी काट सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में काटा है तो थोड़ा सा जो है वो मोटी मोटी है। अच्छा, थोड़ी बड़े साइज़ की हम हरी मिर्च काट के रखेंगे, वही 4-5 हरी मिर्चें आप ले लें। और फिर उसके साथ यहाँ पे गरम मसाला है थोड़ा बहुत। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाऊँ, हम ज़ीरा लेंगे थोड़ा सा, ये हैं लौंगे हैं बड़े साइज़ की, 6-7 मैंने ली हैं, और काली मिर्चें हैं 10 से 15 ले लें। एक बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, जायफल साबुत दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसा होता है लेकिन हम हाफ यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हमारे पास जाएगा नमक, धनिया पिसा हुआ आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो साबुत धनिए का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको हल्का सा या तो फ्राई कर लें या वैसे ही इसको हम जब मसाला पीसेंगे ना तो कोरमे के लिए तो उसके साथ पीस लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है लाल मिर्च, आप चाहें तो देगी मिर्च भी ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो कलर, फ्रूट कलर जो है वो ख़तरनाक होते हैं, तो मैं सादी मिर्च लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास लहसुन अदरक है, और इसमें है दही, दही चाहिए होगा, और साथ में घी या तेल जो भी ले लें आप। मैंने तेल गरम कर लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। हाँ हाँ हाँ, ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, और गरम तेल में डाल दिए। ठीक है, और साथ में हम दालचीनी डाल देंगे, 1 इलायची, इसको थोड़ा सा तोड़ के, नहीं टूट रही तो आप टूट गई वैसे, ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अंदर चला जाए। ये डाल देंगे, और यहाँ गया जीरा, और ये लौंगे और काली मिर्च। ठीक है, इसको हमने डाल दिया साफ करके, आप एक जीरा भी डाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई, और हरी मिर्चें मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी और उनको पीसूँगी भी नहीं, इसलिए हमें चाहिए हल्की ब्राउन प्याज, ज़्यादा तेज़ ब्राउन हम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाए तो कोरमे का टेस्ट जो है वो ख़राब होता है, तो हम इसमें ज़रा कम ब्राउन प्याज लेंगे। ठीक है, तो फिर हम ज़रा ये प्रोसेस करके फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्टेप। जी, अब हम आ गए हैं 3rd स्टेप की तरफ, जो कि मैंने प्याज लाइट ब्राउन की है, आप इसको गौर से देखें। इसमें गरम मसाले भी हैं थोड़े बहुत, शोर बहुत है यहाँ पे, कुकर चल रहा है, दही लिया है और गोल धनिया, तो मैंने कहा था साथ में पीसेंगे। ठीक है, इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, और 4th स्टेप हमारा ये होगा कि जिसमें हमने तेल, जिसमें प्याज तली है उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक। ठीक है, और मसाले डाल के इसमें भून लेंगे मसालों को। पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको मसाला पीस के दिखाऊंगी। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त भी थोड़ा सा सबसे पहले हम हमने गोश्त जो गलाने के लिए रखा है उसमें भी लहसुन अदरक डाला है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चमचा या 1.5 चमचा भी काफ़ी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा भून के
अब हम इसमें डाल रहे हैं रेड लाल मिर्च पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ इसमें दो टेबल स्पून, ठीक है। और नमक, क्योंकि मैंने गोश्त में मैंने क्या क्या डाला है आपको बता दूँ फिर से, थोड़ी सी हल्दी, घर की जिसकी भी, लहसुन अदरक जरा सा, मतलब 1 से 2 चम्मच डाला होगा, और नमक डाल के उसको गला रही हूँ मैं। जब वो गल जाएगा तो हम इसमें उसको शिफ्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे नमक थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि नमक उसमें दिए, ठीक है। और अब इसको देते हैं पानी डाल के, वैसे अगर गोल जल गया होता तो उसकी अपनी इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं 1 से 2 टीस्पून डालेंगे हम धनिया, और पीस भी रहे साबुत, ठीक है, वो डालेंगे। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ, जी हमारा जो है, अब मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ, जिसमें मेरा ये 2 टेबल स्पून के करीब धनिया ये गया, साथ में इसमें वो जो प्याज मैंने डाली फ्राई की है वो डालूंगी, इलायची, लौंगे, काली मिर्च, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने फ्राई की थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब तीसरी चीज़ जो है वो दही है, आप चाहें तो एक पाव डाल लें, मैं यहाँ थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच दही डालती हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पीसती हूँ, ठीक है, पीस के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ पे हमने गोश्त जो है वो गल गया है, इसको खोल लिया है कुकर को, और जो मसाला मैंने पीसा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो हम मसाला पीसा हुआ था वो इसको अच्छी तरह साफ करके डालेंगे, ठीक। और इसमें ये यखनी और बोटियाँ जो हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल वो तरकीब है जैसे पाए पकते हैं निहार, और या आप बिल्कुल, हाँ, पाए की तरह रेसिपी है ये, इसी जी। तो अब हमने इसके अंदर सारा सामान डाल दिया, मतलब यखनी और गोश्त इसमें शिफ्ट कर दिया, जो हमारा मसाला था पिसा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं आखिरी चंद चीज़ें, हरी मिर्चें डालेंगे, ये अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके साथ है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1 टीस्पून डाल दिया। केवड़ा है, आप इसमें कोरमा एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो है वो केवड़ा डाल रही हूँ, ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं, थोड़ा कड़वा बना जाएगा इससे ना। थोड़ा सा हम आधा या 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे, अच्छी खुशबू आएगी, सही है। अच्छा, एक जो है सीक्रेट वो ये है कि जब हमने इसमें खूब सारी यखनी डाली है तो वो प्याज जो थी उसकी वजह से वो कम थी, तो ये थोड़ा सा पतला है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर लिए इस तरह, इसको पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको इसमें डाल के और उसको अच्छी तरह चला देंगे, ठीक है। थोड़ा ये मिक्स होने में मसला होता है क्योंकि पत्थर का सा हो जाता है, तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर हम इसको डालेंगे सालन, ठीक है, इससे बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आएगा सालन में, ठीक है। इस तरह हमने इसको डाला और इसको हल्के हाथ से चलाएंगे, ठीक है। ये है होटल की रेसिपी, और अब आप इसको
अच्छी तरह कोई 15 मिनट पका के, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो जाएगा ये। अच्छी तरह से जैसे सूप बनाते हैं उसमें डालते हैं ना, सेम उसी तरह। जी तो ये है मेरे कोरमे की फाइनल लुक। आप लोग इसमें अगर देगी मिर्च डालेंगे तो उससे कलर जो है बहुत ज़्यादा रेड रेड सा आएगा, ठीक है। और मैं क्योंकि उसको ज़्यादा मुनासिब नहीं समझती उसमें, क्योंकि फूड कलर पता नहीं असली है कि नकली, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करती। दूसरा है कि इसमें आप 1-1 इंच 2-2 इंच घी और या तेल डाल सकते हैं, उससे टेस्ट जो है बाजार वाला होगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसका टेस्ट मैंने हमने खा के देखा, मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़े का है, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट है, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।